सबको नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, साथ वालों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा दिन और प्यार भरा स्नेह। साथियों, आज 24 नवंबर का वह पावन दिन है जिस दिन मुझे छोटी कन्या मतलब अपनी बहन की प्राप्ति हुई थी। आज के दिन मेरी बहन का जन्मदिवस है, तो मैं आज सबसे पहले व्लॉग अपनी बहन को समर्पित करूँगा। आज मेरी बहन का जन्मदिन है। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी इस व्लॉग को देखेंगे वो व्लॉग में आशीर्वाद जरूर दें और मेरी बहन को कामयाब भी आशीर्वाद दें, कामयाब होने के लिए कामना करें। साथियों, आज ये बहुत पावन दिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में जब भी किसी का जन्मदिन होता है, मेरा भी, मेरी वाइफ का, मेरे फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर का, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन होता है। साथियों, आज 24 नवंबर का दिन है और 24 नवंबर के दिन में मुझे बहन मिली थी सन 1992 में, और आज 24 नवंबर 2023 है। 24 नवंबर 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं बहन नीलम, आपको जन्मदिन की पावन बधाई। भोले शंकर और माँ पार्वती से करबद्ध विनती करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हो आपको, आपकी कृष्ण भक्ति बढ़े। आप कृष्ण भक्त हैं, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हैं आप, आपकी कृष्ण भक्ति ऐसी बढ़ती रहे और आप हमेशा सतायु क्या सहस्रायु मिले आपको, हजार सालों की आपकी उम्र हो जाए, आपको निरोगी काया मिले, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा हंसती रहे, मजाक करती रहे, मजाक के मूड में आप जब आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, आपकी हंसी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो कुछ लाइनें चुराई है मैंने, क्योंकि मेरी लिखी हुई नहीं है, क्योंकि मैं झूठ कभी नहीं बोलता, तो आज भी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज जब अपनी सगी बहन के लिए बोलने जा रहा हूँ तो क्या ही झूठ बोलूँ। तो लाइन चुराई है मैंने आपके लिए, अगर आपको पसंद आएंगी तो बताइएगा, नहीं आएंगी तो भी बताइएगा, अगली बार फिर अच्छी लाइनें चुराएंगे कहीं से, या अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम खुद लिखेंगे आपके लिए अगली बार लाइनें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जन्मदिन आज का बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और सभी साथियों से जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं उनसे विनती करूँगा कि मेरी बहन को आशीर्वाद दें, कामयाबी का, तरक्की का, हर चीज़ का। खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है जिस पे बस खुशियों का पहरा है। खूबसूरत एक रिश्ता बस तेरा मेरा है जिस पे बस खुशियों का पहरा है। नज़र ना लगे कभी इस रिश्ते को, क्योंकि दुनिया की सबसे प्यारी मेरी बहना है। हैप्पी बर्थडे नीलम, हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, और भगवान शिव शंकर से, माँ पार्वती जी से आपके कुशल स्वास्थ्य की, आपकी दीर्घायु की, आपके स्वस्थ मस्त रहने की कामना करता हूँ, और यही विनती करता हूँ कि आप सदा हंसती रहे, हंसती रहे, बस हंसती रहे, और हमें इतना प्यार बढ़ जाए भाई बहनों में कि जिसकी कोई लिमिट ना हो, क्योंकि भाई बहनों का प्यार बड़ा अनमोल होता है। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो हम आपके ससुराल भी आएंगे आपके बर्थडे के दिन, चलो वो तो घर बात की बात है, बाकी आपको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे और हैप्पी बर्थडे।